आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ चिकन फ्राई की रेसिपी, जो बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार होती है। जब भी आपके घर में पार्टी या फंक्शन हो तो आप इसे जरूर बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप चाहे तो चिकन को पूरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चिकन के लेग पीस यूज किए हैं और हमने यहाँ पर चिकन लेग पीस 800 ग्राम लिए हैं और उसको इस तरह से डीप कट लगा लिए हैं दोनों साइड से, ताकि जब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तो हमारे मसाले चिकन के अंदर तक चले जाएंगे। तो सारी चिकन के पीस को हमने कट लगा कर तैयार कर लिया है। अब हम चिकन में पानी डालेंगे। हमें पानी इतना डालना है कि चिकन अच्छी तरह डूब जाए। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप इसे नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारी चिकन अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून, अब हम इसके अंदर सिरका 2 टेबल स्पून डालेंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसे ढककर 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नींबू का रस, 1 टेबल स्पून ऑयल, 3 टेबल स्पून दही। देखिए 20 मिनट हो गए हैं, हमने चिकन को अच्छी तरह 2-3 बार पानी से धो लिया है। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑयल, नींबू का रस और अब हम दही डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमें इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारे मसाले अंदर तक इसमें चले जाएं। मैरिनेट करना बहुत जरूरी है ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक चला जाए। अब हम इसे ढककर फ्रिज में रखेंगे 4-5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे पूरी रात भी रख सकते हैं। अगर टाइम नहीं हो तो आप इसे आधे 1 घंटे के लिए जरूर रखें, क्योंकि चिकन जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा चिकन फ्राई बनकर तैयार होगा। अब हम इसे ढककर 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है, हमने इसे 4-5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर। हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 टेबल स्पून मैदा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने इसके अंदर मैदा, कॉर्नफ्लोर और अंडा इसलिए डाला है कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाएगा और हमारी कोटिंग भी अच्छी होगी। हमें मैदा, अंडा और कॉर्नफ्लोर मैरिनेट करते वक्त नहीं डालना है, हमें ये बाद में डालना है जब हम इसे फ्राई करेंगे, हमें जब डालना है। हमने यहाँ पर तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म होने रखा है।
अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लेग पीस को फ्राई करने में टाइम लगता है। इससे क्या होता है कि चिकन ऊपर से जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है, इसलिए हम तेल को अच्छा गर्म हो जाने देंगे। अब हम कढ़ाई में एक-एक कर चिकन के पीस डालेंगे। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे। हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। पांच मिनट हो गए हैं, अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। अब हम इसकी साइड बदल देंगे। अब हम इसे दूसरी साइड से भी कवर करके पकाएंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि हमारी चिकन ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से पूरी तरह पक जाए। देखिए हमारी चिकन अच्छी तरह से पक गई है, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह सारी चिकन को फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी जबरदस्त सी चिकन फ्राई बनकर तैयार है, अंदर से एकदम जूसी और बाहर से क्रिस्पी। अगर आपके घर में पार्टी हो तो आप इसे जरूर बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए कितनी जबरदस्त बनकर तैयार हुई है, मैं इसे आपको तोड़कर भी बताती हूँ। देखिए अंदर से एकदम जूसी और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनी है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी चिकन पकोड़े की, अंदर से जूसी और बाहर से एकदम क्रिस्पी। अगर आपके घर में कोई पार्टी या फंक्शन हो तो आप इसे जरूर बनाइए, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है और उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इस तरह से। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। हमने मैरिनेट करने के लिए 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही में हम 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने सभी मसालों को चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। इसके अलावा हमें जो मसाले चाहिए वो ये है, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो आप 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून ऑयल, 2 हरी मिर्चों का हमने बारीक क्रश कर लिया है, थोड़े से कड़ी पत्तों को बारीक काटा है, 2 टेबल स्पून हरा धनिया और साथ ही में हम इसमें एक अंडे की सफेदी डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा, 1/2 कप बेसन, 2 टेबल स्पून चावल का आटा। हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है, अब हम इसमें एक अंडे की सफेदी डालेंगे। और अब हम हरा धनिया, हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, कुटा हुआ जीरा डालेंगे, धनिया पाउडर,
तंदूरी मसाला डालेंगे और 1 टेबल स्पून दही डालेंगे। दही डालने से हमारी चिकन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। हम चिकन पकोड़ा बना रहे हैं और इसमें बेसन ना जाए तो वो पकोड़ा नहीं लगेगा, इसलिए हम चिकन पकोड़े की कोटिंग के लिए इसमें बेसन डालेंगे और चावल का आटा डालेंगे ताकि हमारा चिकन क्रिस्पी बने। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें दही और अंडे की सफेदी डाली है। अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम 1 से 2 टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे। हमें इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए हमारे सभी मसाले चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने चिकन को फ्राई करने के लिए यहाँ पर तेल को गरम कर लिया है। हमारा गैस का फ्लेम लो है। हमने यहाँ पर 3 हरी मिर्चों को इस तरह कट कर लिया है और कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं। हम सबसे पहले इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर तेल में आ जाए। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने चिकन में रेड फूड कलर डाला है 1/4 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। हमारा गैस का फ्लेम मीडियम है। अब हम एक एक चिकन के पीस को इस तरह तेल में डालेंगे। हमें कढ़ाई भरकर चिकन नहीं डालना है। हमें कढ़ाई में चिकन को ज्यादा नहीं भरना है वरना ये आपस में चिपक जाएगा। अब हम हमारे गैस का फ्लेम लो कर देंगे और हम इसे लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम हमारी चिकन को पलट लेंगे। हमें इसे फौरन पलटना नहीं है, हमें इसे 2 से 3 मिनट के बाद ही पलटना है, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। अब हम इसे अलट पलट करके 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हम हाई फ्लेम पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारी चिकन अंदर से अच्छी तरह पक जाए और ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। देखिए 1 से 2 मिनट हो गया है, हमारी चिकन ऊपर से अच्छी तरह क्रिस्पी हो गई है, इस पर अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। और अब हम सारी चिकन को इसी तरह फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा चिकन पकोड़ा बनकर तैयार है। अब हमने जो कड़ी पत्ते और मिर्चियों को फ्राई करा था अब हम वो डालेंगे। देखिए ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से बहुत ही जूसी है और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही शानदार हमारा क्रिस्पी चिकन पकौड़ा बनकर तैयार हुआ है। आप हमारी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गिलाफी सीख कबाब की रेसिपी। ये देखने में बहुत ही कलरफुल होते हैं और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। ये एकदम सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आपका भी इसी तरह जबरदस्त सा गिलाफी कबाब बनकर तैयार होगा। तो चलिए देख लेते हैं गिलाफी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत लगेगी। यहाँ पर हमने 1/2 किलो बोनलेस चिकन लिए है ब्रेस्ट का और इसके छोटे छोटे पीस कर लिए है इस तरह। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे।
1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। हमने 2 मीडियम साइज की प्याज को ब्राउन कर लिया है, अब ये भी हम डालेंगे। टू टेबल स्पून हम इसमें बटर डालेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून हमने दही लिया है, अब हम ये भी डालेंगे। यहाँ पर हमने भुना चना लिया था और उसको बारीक मिक्सर में पीस लिया है, ये 1 कप के करीब है। अब हम ये भी डालेंगे। अब हम सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब हम इसे साइड में रखेंगे। हमने यहाँ पर एक चॉपर लिया है, अब हम उसके अंदर हरा मसाला डालेंगे। यहाँ पर हमने 2 इंच के अदरक का टुकड़ा लिया है और उसको बारीक काट लिया है। 15-20 लहसुन की जवे हैं, हरा धनिया है और पुदीने के पत्ते हैं और 2 हरी मिर्चें हैं। अब हम इसको चॉपर में डालेंगे। वन टेबल स्पून नींबू का रस है, ये भी डालेंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। हमने यहाँ पर हरे मसाले को पीस लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे और इसको भी बारीक पीस लेंगे। चिकन को चॉपर में डाल दिया है, अब हम इसे बारीक पीस लेंगे। देखिए हमने चिकन को बारीक पीस लिया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा बारीक सा पीस गया है, एकदम स्मूथ सा। हमें इसी तरह पीसना है इसे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं। क्योंकि हम गिलाफी कबाब बना रहे हैं तो हमें इसके ऊपर गिलाफ चढ़ाना है, यानी हमें इसके ऊपर वेजिटेबल की कोटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल लिए हैं। हमने यहाँ पर 1/2 कप शिमला मिर्च ली है, इसको फाइनली चॉप कर लिया है। टमाटर भी हमने 1/2 कप लिया है, इसको भी फाइनली चॉप कर लिया है। आप टमाटर की जगह लाल वाली शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। और प्याज को भी हमने 1/2 कप लिया है, इसको भी फाइनली चॉप कर लिया है। हमें वेजिटेबल को एकदम बारीक काट लेना है। अब हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमें सीख कबाब बनाने के लिए इस तरह की सीख की तीली चाहिए। अगर ये आपके पास ये नहीं है तो आप पेंसिल से भी बना सकते हैं। अब हम कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए हम हमारे मिक्सर में से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, हाथों पर इस तरह से फैला लेंगे। अब हम हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर तीली रखेंगे और सीख बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर वेजिटेबल की कोटिंग करेंगे। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमने इसे इस तरह से बना लिया है। अब हम इसी तरह सारे बना लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर सारी सीख बना ली है और सीखों के ऊपर हमने अच्छी से वेजिटेबल की कोटिंग कर ली है। हमें वेजिटेबल को अच्छी से दबाकर इस तरह से लगाना है, नहीं तो ये फ्राई करते वक्त हमारी वेजिटेबल निकल जाएगी। चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कबाबों को फ्राई करने के लिए ग्रिल पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। हमें इसे शेलो फ्राई करना है। हमारा गैस का फ्लेम लो है,
हमें इसे दो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, हमें इसे फौरन ही नहीं पलटना है, हम इसे एक से दो मिनट के बाद पलटेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। अब हम इसे अलट पलट करके 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए हमारी सीख पर अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे, ये अच्छी से पक चुकी है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह सारे कबाबों को फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा जबरदस्त गिलाफी सीख कबाब बनकर तैयार है। आप हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, आपका भी इसी तरह से गिलाफी सीख कबाब बनकर तैयार होगा। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुई है और अंदर तक बिल्कुल अच्छी से पक गई है।